हेलो गाइड, कैसे बचे। बात करें यार कि पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा रहे थे आपको, और लास्ट क्लास में हमने आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने बताया था, और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट बेसिस का क्वेश्चन बताऊंगा। बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई वालों के लिए, खास करके 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, आपके प्री बोर्ड में भी पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। यार आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर आना चाहिए ना। चलिए ध्यान दीजिए, बात करें पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है, समझिएगा। देखिए यार, बैंक में चाहे पार्टनरशिप फर्म में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सारे ट्रांजेक्शन क्लर्कियल के द्वारा किए जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी हो रहा है कि जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वह ट्रांजैक्शन पूरे तरीके से एकदम सही हो, कहीं कुछ छूट गया, कुछ एरर हो गया, किसी प्रकार से कोई गलती कर दिए, किसी को कोई ट्रांजैक्शन मतलब पैसा दिए ही नहीं, किसी से ज्यादा चार्ज कर दिए, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो जो गड़बड़ पास्ट में हो चुका है उसको सुधारने के लिए आज हम लोग सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार पूरा वीडियो को देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ ना एग्जाम में 4 और 7 नंबर वाला अगर टॉपिक आ गया तो बनेगा भी, ठीक है, पूरा देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, बात करें सबसे पहले कि पास्ट एडजस्टमेंट में देखिए हो क्या सकता है। आपका एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, ओमिशन हो सकता है, गलती आपने कर दिया, किसी को कुछ देना था दिए नहीं, किसी से लेना था लिए नहीं, किसी को जितना देना था उससे ज्यादा दे दिए, किसी से जितना लेना था उससे ज्यादा ही ले लिए, जिस कारण से हमारा अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगा, और उसी को सुधार करने के लिए, अब ऐसा थोड़ी करेंगे गड़बड़ कर दी तो वापस में मिटा करके फिर सुधारेंगे उसको, नहीं, यहाँ पे उसके लिए जर्नल पास करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा, और वह एंट्री हमारा पास्ट एडजस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट एडजस्टमेंट कहलाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हाँ बच्चे, चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। हम अभी जस्ट आपको बताएं कि अगर हमने पास्ट में किसी प्रकार से कोई गलती कर दिया था, कुछ छोड़ दिए हैं, कोई ट्रांजैक्शन में मिस्टेक कर दिए हैं, उसके सुधार के लिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले बात करें, यहाँ पे हमने अगर कुछ एरर कर दिया है, गलती किए हैं, कोई मिस्टेक कर दिए हैं, अगर किसी प्रकार से कुछ ओमिशन हो गया है, ठीक है, गलती छूट गया, दिए ही नहीं है, प्रोवाइड नहीं किए हैं, ज्यादा प्रोवाइड कर दिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम अकाउंटिंग कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अकाउंटिंग कैलकुलेशन करेंगे, और अकाउंटिंग कैलकुलेशन में जो गलती, जो मिस्टेक हो गया है हमसे, हम उसको रिवर्स सुधारेंगे, ठीक है। तो उसको सुधारने के बाद एक हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे बच्चे। यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट में हमको अकाउंटिंग वर्क क्या क्या करना पड़ेगा? सर जी, पास्ट एडजस्टमेंट को जो गड़बड़ हुआ है उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, और एडजस्टमेंट टेबल में पहले हम उसको सुधार करेंगे, और उसको सुधार करने के बाद हम उसको सही करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। क्लियर? यह आपका हो जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखिए कि एरर कितना, मिस्टेक कैसे होता है, ध्यान हाँ बच्चे, दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पहले बात करें मिस्टेक का, मिस्टेक आपका 2 टाइप से होगा, मिस्टेक कितना टाइप से होगा? 2 टाइप का होगा, पहला आपका होता है एरर, क्लियर, और दूसरा हो जाएगा आपका ओमिशन। ध्यान दीजिएगा, एरर में बात करते हैं कि आपने गलती कर दिया, आपने गलती कर दिया है, आपने क्या किया है कि वहां पे कुछ भी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था, आपने 8% दे दिया, गलती आपने कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका 5% चार्ज करना था, आपने 4% ही चार्ज करा,
तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा, और पार्टनर को मिलने वाला जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एरर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनवर्स एंट्री करना पड़ेगा। इनवर्स एंट्री करके वापस से प्रोवाइड करेंगे, देखो यार इनवर्स करेंगे और वापस से प्रोवाइड करेंगे सही वाला एडजस्टमेंट इसको यहाँ पे। और दूसरा अगर बात करते हैं जो यहाँ पे रियल रहा, रियल रहा अगर हमने प्रोवाइड ही नहीं करा है, हमने प्रोवाइड ही नहीं करा है, ठीक है, करेक्ट है, हमने प्रोवाइड ही नहीं करा है, करेक्ट है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। अगर बात करें बच्चे ओमिशन है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही नहीं, दिए ही नहीं, हमने प्रोवाइड ही नहीं किया है। लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, हमने बोला भाई दिए ही नहीं, भूल गए, सदमा में थे, पता नहीं कौन सा नशा कर रखा था क्लर्क, दिया ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गड़बड़ा गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे ओमिशन हो गया, तो हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे और समझाते चलेंगे। तो एनालिटिकल टेबल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल में हम क्या काम करेंगे, हम वर्किंग नोट करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चे, वर्किंग नोट करेंगे, और वर्किंग नोट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्लियर, पक्का। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ बताते हैं बच्चे, आगे। यह देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा जो आपका पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, क्लियर, देयर कैपिटल अकाउंट अंडरस्टूड एज 50,000, 40,000, 30,000 एंड 20,000, यह दिया हुआ है। कह रहा है आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझिएगा, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, मतलब क्या किया ना यार, ओमिशन, कुछ चीज छोड़ देना, नहीं प्रोवाइड करना, नहीं चार्ज करना, दैट इज ओमिशन, हम अभी जस्ट बताए थे आपको। यहाँ पर क्या किया ना बच्चा, कि देखिए आपका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था, और कितना प्रोवाइड करना था, 6% पर एनम प्रोवाइड करना था, 6% पर एनम प्रोवाइड करना था, लेकिन प्रोवाइड किया नहीं और प्रॉफिट को बांट दिया गया। क्लियर। और बोल रहा है कि इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट टेबल पहले बनाते हैं। पार्टिकुलर, चार पार्टनर है ना, ए बी सी और डी, ठीक है, पार्टिकुलर ए बी सी और डी, और यहां हो जाएगा आपका टोटल, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट टेबल, क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट टेबल। क्लियर, समझिएगा। देखिए यार अगर हम अभी जस्ट आपको बताएं कि अगर कोई चीज छोड़ दिया है, ओमिशन वाला है, ठीक है, अगर मिस्टेक आपका ओमिशन वाला है तो वहां पे पहले हम वह प्रोवाइड करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले प्रोवाइड करते, एकदम स्लोली समझिएगा बच्चे, छोड़ दिया है प्रोवाइड करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया हुआ था, ठीक है, 6%। अब ए का कैपिटल 50,000 है तो 6% 3,000 आ जाएगा, बी का कैपिटल 40,000 है, 6% 2,400 आ जाएगा,
सी का कैपिटल 20,000, 30,000 का है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,800, 1,800, और डी का कैपिटल 20,000 है, 6% 1,200 आ जाएगा। क्लियर? टोटल का बात करें तो 8,400 आ जाएगा, 8,400। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम प्रॉपरली और स्लोली समझिए। पहले देखिए बच्चे, आप अपने माइंड में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन कीजिए। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में लिखते थे, ठीक है? फर्म के लिए वो खर्चा था। अब अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, मतलब हमारा से डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, वहां पे दिख रहा होगा ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम प्रोवाइड करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम प्रोवाइड करते तो प्रॉफिट हमारा घटता, और जो घटा हुआ प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद, वह प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ता रेशियो में। क्लियर? लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मतलब दिया है, तो जो प्रॉफिट हमारा 8,400 से बढ़ा हुआ होगा, उसको भी हमने रेशियो में बांट दिए होंगे। सोचिए अपने मन में कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया सर, तो हमारा प्रॉफिट 8,400 से बढ़ा हुआ होगा, और हम इसको भी क्या किए होंगे, रेशियो में बांट दिए होंगे। क्या किए होंगे? पार्टनर के बीच में रेशियो में बांट दिए होंगे। तो जब रेशियो में बट गया तो यहां पे इफ 8,400 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, क्लियर? तो यहां पे बराबर बराबर बांटेंगे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे इक्वली दिया हुआ है, तो यहां पे 2,100 दिए होंगे, यहां भी 2,100 दिए होंगे, यहां भी 2,100 दिए होंगे, और यहां भी 2,100 दिए होंगे। टोटल 8,400 हो रहा था। अब अपने मन में थोड़ा सोचिए बच्चे, आप अपने मन में थोड़ा सोचिए कि अगर सही काम करते, अगर सही से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते तो एक को 3,000 मिलता, एक को कितना मिलता सर, 3,000 मिलता। लेकिन प्रॉफिट के फॉर्म में अगर हम बांट रहे हैं तो एक को मिल रहा है 2,100 का, एक को कितना मिल रहा है, 2,100 मिल रहा है। तो इसके अकाउंट में 900 और हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिलना चाहिए था 3,000, लेकिन प्रॉफिट डिविजिबल करके मिला तो 2,100 ही मिला है, तो इसमें 900 रुपया और क्रेडिट कर देंगे। बी को मिलना चाहिए था 2,400, 2,400, 2,400, लेकिन बी को मिला है 2,100। सर इसे भी 300 कम मिला है, चलो कम मिला है तो 300 इसको भी क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? यहां देखिए सर, सी को मिला है 1,100 मिलना चाहिए था। अगर हम सही से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते तो सी को 1,800 मिलता सर, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट के फॉर्म में जब बटा तो सी को 2,100 मिल गया। मिलना चाहिए था 1,800, मिल गया क्या 2,100, ज्यादा मिल गया सर जी, इससे वापस लेना पड़ेगा, तो यहां पे 300 डेबिट कर देंगे। क्लियर? यहां पे डी का देखिए, डी को मिलना चाहिए था 1,200 रुपया, क्लियर? लेकिन मिल गया है उसको 2,100 मिल गया है। क्लियर? मिलना चाहिए था 1,200 और मिल गया है 2,100, मिलना चाहिए था 1,200 और मिल गया है 2,100, 1,200 के बदले 2,100 मिल गया है। तो यहाँ पे ज्यादा जो मिल गया बोलेंगे चलो वापस करो, और वापस करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 900 को हमको डेबिट करना पड़ेगा, 900 को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और यह एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। यहां तक राइट डाउन कीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री देखिए हम पास करते हैं इसका। यहां देखिए, ए का अकाउंट क्रेडिट है, बी का अकाउंट क्रेडिट है, सी का अकाउंट डेबिट है, और डी का अकाउंट डेबिट है ना। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एक एंट्री पास करेंगे, सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यहाँ पे सी वाले में 300, डी वाले में 900, और यहां देखिएगा थोड़ा अपना, सी वाले में 300, डी वाले में 900, ए वाले में 900 और बी वाले में 300। ए वाले में 900 और बी वाले में 300। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। क्लियर? यह आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बस पास करना पड़ेगा। यह आपका ओमिशन वाला क्या क्या किए, एडजस्टमेंट टेबल बना दिए सर, और उसके बाद जो इसका वर्किंग नोट से रिजल्ट आया डेबिट और क्रेडिट करके जर्नल पास कर दिए। यह क्वेश्चन अगर आपके मन में क्लियर हुआ होगा यार, सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। लग रहा है कि पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। एग्जाम बेस्ड टॉपिक क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम स्कैनर भी बनवाऊंगा यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा, और वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बूस्ट का काम करेंगे, तो सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान हाँ दीजिएगा। बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है आपका ओमिशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझिए मेरी बात को पहले, यहां पे अगर हमने ड्राइंग चार्ज करते, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करते तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता, जो प्रॉफिट होता वो क्या होता, बढ़ जाता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो हो रहा था, तो प्रॉफिट बढ़ता। लेकिन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किए हैं, और यहां पे इस कारण से जो ओमिशन हो गया उसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करने बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, एडजस्टमेंट टेबल मेरे साथ आप लोग भी एकदम पार्टिकुलर, कितना पार्टनर है, एक्स वाई और जेड और टोटल, ठीक है, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड टोटल, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ये वर्किंग नोट होता है यार सिंपली। अब हम ओमिशन वाले में बताए थे कि जो हमने गलती कर दिया पहले उसको मतलब सुधारेंगे, और सुधारने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करते, देखिए इधर, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, समझिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर चार्ज करते तो यहां पे 250, यहां पे 180 और 100। क्लियर? तो यहां पे 350, 450, 450 और यहां पे 530, 530 से प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता, 530 से प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते तो एक्स से 250 लेते, 22 से 180 लेते और जेड से 100 लेते, ठीक है, और 530 का हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता, और 530 का अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ता तो वह हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते उनके रेशियो में। क्लियर? तो यहां पे इफ 530
530 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन हिज रेशियो। तो 530 को अगर हम लोग पार्टनर के बीच बांटते 3:2:1 में तो 265 आएगा, वन सेवेंटी सिक्स आ रहा है। और 88 आ रहा है। इसको कर देते हो, ठीक है। और यहां पे 530। अब देखिए कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते तो एक से 250 लेते, 22 से 180 लेते और जेड से 100 लेते तो 530 का हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया है तो एक्स के पास दिख रहा है हमारा यहाँ पे 265 रुपीज। अगर प्रॉफिट के फॉर्म में बांटते, सही में अगर हमारा 530 का प्रॉफिट बढ़ता तो हम लोग एक्स को एक्चुअल में मिलना चाहिए था 265। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करने के कारण से एक्स के पास सिर्फ 250 मिला है। तो यहाँ पे 15 और इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दूसरा समझिए, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते और प्रॉफिट में बांटते तो बाई को मिलता 176 रुपीज। बाई को कितना मिलता, 176 मिलता। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किए हैं तो बाई को 180 मिल गया है। तो यहाँ पे हम 4 इसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे सी को मिलता मतलब जेड को मिलता 89 रुपीज, लेकिन इसको मिल गया है 100। कितना मिल गया है, 100। तो इसको 11 रुपया इसे भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट यहाँ इंपैक्ट कर रहा है। जो भी एडजस्टमेंट ओमिशन में हो रहा है जिस कारण से हमारे प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़ता तो पार्टनर के बीच में मिलता, प्रॉफिट घटता तभी वो पार्टनर के एडजस्टमेंट में होता। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम चार्ज करते तो 250 इससे लेते, लेकिन एक्चुअली में नहीं चार्ज किए तो यहाँ पे हमने देखिए इतना लेते हैं, इससे 180 लेते और इससे 100 लेते, 530 का प्रॉफिट बढ़ता। और 530 को पार्टनर के बीच में बांट दे तो एक को मिलता 265 मिलना चाहिए था, मिला है बेचारा को 250। तो 15 और इसको दिए, इसको मिलना चाहिए था 176, मिल गया है 180। चार लाओ भाई वापस कर दो। इसको मिलना चाहिए था 89, इसको 100 मिल गया, बोलेंगे चलो तुम भी 11 रुपया वापस कर दो। अब हम लोग इसका भी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एक्स कैपिटल अकाउंट। 22 वाले में 4, जेड वाले में 11 और यहाँ पे एक्स वाले में 15। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्लियर, यह आपका हो गया जर्नल। चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना के दिखाते यार। अभी हमने सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला बनाया, हो सकता है लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट दे, देखो इतना सारा गलती छोड़ दिए। ये ही नहीं था ओमिशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे, ना सैलरी दिए थे, ना बोनस दिए था, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज के, तब कैसे बनाओगे। तो उस क्वेश्चन को ये बना के बताते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन बताए थे, अब इस क्वेश्चन में ना यार कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट आपके दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मोहन सोहन एंड रोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2।
विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज 80,000, 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, दे अर्न अ नेट प्रॉफिट अमाउंटिंग 50,000, विच वॉज ड्यूटी ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर डेट द फॉलोइंग आइटम्स वी आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट इन कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखिए क्या हो रहा है, डिविजुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले यह सारा एडजस्टमेंट नहीं किया था, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तीन पार्टनर है ना, पार्टिकुलर और टोटल, ठीक है। मोहन, सोहन और रोहन, क्लियर। यहां पे कह रहा है कि 5:3 में बांट रहा था, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्रोवाइड नहीं किया। एरर ऑफ मतलब ओमिशन वाले में हम पहले जो नहीं प्रोवाइड किया उसको पहले प्रोवाइड करेंगे, क्लियर, क्योंकि छोड़े हुए यार। तो यहां पे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्रोवाइड करते हैं, तो पहले 80,000, 50,000, 40,000 है इनका कैपिटल, तो 4,800 आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा और 2,400 आ जाएगा, क्लियर। अब बात करें टोटल तो 10,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,200 नहीं प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद कर था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर के लिए खर्चा है ना यार, पहले इनकम वाला सारा हेड लिख देते हैं। उसके बाद कर था मोहन सैलरी 6,000 पर इनम एंड कमीशन 5,000, तो यहां लिखेंगे सैलरी एंड कमीशन जो नहीं प्रोवाइड किए हम लोग। तो यहां पे मोहन का 6,000 और 5,000 टोटल 11,000 का हो रहा है, हम लिख देते हैं ऐसे 6,000 और ये 5,000 का कमीशन। और कह रहा था उसके बाद कि रोहन सैलरी 7,200 पर एनम, रोहन का सैलरी था 7,200 पर एनम, हजार 200 और यहां 5,000 कमीशन वाला अमाउंट, क्लियर। तो यह पार्टनर का हेड ऑफ इनकम टोटल 15,800, 3,000, 9,600 टोटल 28,400, क्लियर। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करते, क्योंकि यह सारा तो पार्टनर का इनकम का हेड है यार, पार्टनर को इतना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन ड्राइंग वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहेगा वो पार्टनर के लिए खर्चा है, तो हम उसको माइनस कर देंगे, जिससे यह पता चलेगा कि एक्चुअल में पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था आपका 2,000, 3,000 और 1,000, 6,000, तो 22,400 यहां, यहां 8,600, यहां नील और यहां पे 13,800, क्लियर। तो 22,400, अब यहां पे जो 22,400 का एक्यूरेट प्रॉफिट मतलब ये हो रहा है, इसको हम लोग क्या किए होंगे पार्टनर के बीच में,
क्योंकि यार यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन यह सब अगर फर्म देता तो प्रॉफिट उसका घटता और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करता तो प्रॉफिट बढ़ता। लेकिन इसको एडजस्ट अगर हम कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर को मिलने वाला सारा पैसा और पार्टनर से लेने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों को एडजस्ट करके नेट निकाले तो 22,400 का एडजस्टमेंट आ रहा। और जिसको हम लोग नहीं पार्टनर को दिए होंगे और बांट दिए होंगे रेशियो में, तो जब रेशियो में बांट रहे हैं तो इफ 22,400 डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, रेशियो में बांटते हैं 22,400 को और रेशियो दिया हुआ था कितना कितना, 5:3:2, तो 22,400 इंटू 5/10 11,200। क्लियर? सिक्स सेवन टू जीरो, फोर फोर एट जीरो। अब थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, देखिए थोड़ा समझिए। देखिए बच्चे, यहां पे पार्टनर को मिलना चाहिए था 13,800, मोहन को 13,800 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज उर्ज करने के बाद उसको मिलना चाहिए था 13,800, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट के फॉर्म में जब बांटे हैं तो बेचारा को मिला है 11,200, तो हमको इसको और देना पड़ेगा ना। तो 13,800 में से 11,200 अगर माइनस करते हैं तो इसको 2,600 और क्रेडिट करना है। क्लियर? सोहन को कुछ नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि उसका सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, लेकिन मिल गया कितना, 6,720। तो 6,720 यहां से डेबिट करेंगे। और यहां पे रोहन को मिलना चाहिए था 8,600, लेकिन बेचारा को मिला है कितना, 4,480, तो उसको भी 4,120 देंगे, ठीक है, क्रेडिट करेंगे इसमें। अब इस एडजस्टमेंट का एंट्री पास कर देते हैं। सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट और टू रोहन कैपिटल अकाउंट कितना कितना, देखिए सोहन से 6,720 इससे डेबिट करेंगे इसको अकाउंट को, और यहां पे चढ़ाना है आपका मोहन को 2,600 देंगे और उसको 4,120 और इसको 4,120। क्लियर? और नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्लियर? यह आपका बच्चे कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर जाइए, वीडियो प्लेबैक करके देख लीजिए, कहीं अगर आपको डाउट लग रहा है टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस। आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, बना करके भेजेंगे। कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, नहीं आप किसी से पूछ पा रहे, आप मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, वह भी बताऊंगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है यार, लग रहा है कि सपोर्टिव है चैनल, तो फ्रेंड तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सीनियर को जूनियर को शेयर कीजिए एकदम बेझिझक यार, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एडजस्टमेंट का, पास्ट एडजस्टमेंट का और क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम बेस्ड रहेगा। क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर जब एडजस्टमेंट के बाद आऊंगा तो गारंटेड पार्टनर, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होगा और फिर हम लोग गुडविल की तरफ चलेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।